चलो ठीक है, तो सबसे पहले वही क्विकली डिस्कस कर लेंगे। पांच इजी क्वेश्चन कल दिए हुए थे, तो किसी को किसी क्वेश्चन, अच्छा वो क्वेश्चन कहाँ है, अंजलि भी आ गई। ठीक है चलो बोलो, उस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? पांच क्वेश्चन जो कल शेयर किए थे ग्रुप में, क्विकली बोलो, जल्दी से शुरू करेंगे। नहीं भैया, नहीं है, चलो ठीक है, किसी को भी सबसे बन गया, चलो हाँ भैया, ठीक है, बनना भी चाहिए तो क्वेश्चन वैसे। ठीक है, वो सारा क्वेश्चन वैसे बता दें, वो सारा क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2010 और 11 का सारा क्वेश्चन हम डाल दिए हुए देख रहे। ठीक है, तो 2010-11 का क्वेश्चन था वो नीट का, तो वैसे ही आता है क्वेश्चन जनरली। नीट में डायग्राम बनाया हुआ क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, वर्ड्स में मोस्टली आता है, मतलब ऐसा नहीं होगा डायग्राम उराम बनाया कोई जा रहा आ रहा वैसा, मतलब करके सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ, दो तीन आने का फॉर्मूला यूज करो, थोड़ा बहुत कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बट मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट होता है। चलो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं फिर। ये सब लोग बनाना पहले ही बोल देते हैं जो नहीं बनाया हो, तो चलो एक बार जस्ट देख लो। हम लोग न्यूटन्स लॉ जब मोशन किए थे स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ भी बता दिए तुम लोगों को। ठीक है, फर्स्ट लॉ में कुछ पॉइंट था, जो लोग नहीं लिखो तो लिख लेना। फर्स्ट लॉ अपने को फोर्स के डेफिनेशन, डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ही देता फोर्स का डेफिनेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा बात बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ का ये स्पेशल केस है न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये भी पॉइंट लिख लेना, जो नहीं लिखो हम नहीं लिखवाए थे, बोल रहे थे बट लिख लेना, ये सब पॉइंट लिखना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, न्यूटन फर्स्ट लॉ ही इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, कि इनर्शिया क्या है। ठीक है, जो गैलीलियो का दिया हुआ था, इसलिए कभी कभी न्यूटन फर्स्ट लॉ गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ये भी लिखना नहीं पता हो तो। ठीक है, ये सब पॉइंट लिख सकते हो जस्ट नोट्स कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आ गए थे हम लोग मोमेंटम टर्म को इंट्रोड्यूस किए थे, जो मास उनकी वेलोसिटी होता है, तो ऑब्वियसली मास क्या है, एक स्केलर नंबर है जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो बोल सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी का एक स्केलर मल्टीपल है, और जो कि पॉजिटिव स्केलर है इसलिए डायरेक्शन सेम ही होगा, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। उसके बाद हम लोग आए थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, जिसे हम लोग बोले थे कि किसी भी पार्टिकल का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड होता है, और वो जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में ही होता है, मतलब जिधर के तरफ मोमेंटम का चेंज आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, उधर के तरफ ही तुम्हारा फोर्स अप्लाई किया गया होगा। इसे हम लिखे थे डिफरेंशियल फॉर्म में, तो फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल का साइन हम जस्ट यूज किए थे, बट प्रोपोर्शनल तुम लोग यहाँ पे यूज करना। फिर उसके बाद एक कॉन्स्टेंट आया था प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, ऐसा सिस्टम उसका वैल्यू वन आता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता के वॉट आउट डायरेक्ट फिजिकल डीपी बाय डीटी यूज कर सकते हो, ये हमेशा वैलिड होगा, लॉ है तो हमेशा वैलिड होगा ही होगा। इसको हम मास इनटू वेलोसिटी लिख दें मोमेंटम को, फिर मास को अगर डिफरेंशिएशन के बाहर ला लें, अज्यूम करते हुए कि मास एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अपना रिस्ट्रिक्शन आ गया कि मास जो वो कांस्टेंट है, तो मास बाहर आ गया एम डीवी बाय डीटी, और डीवी बाय डीटी एक्सीलरेशन होगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, अगर मास कांस्टेंट हो तो यूज कर सकते हैं ये वाला इक्वेशन, जो कि हम लोग उसी डोमेन में काम करेंगे, कांस्टेंट मास वाले डोमेन में, हम लोग का डोमेन यही है। ठीक है, अगर जस्ट बता दिए थे अगर मास वेरी करे, जो कि हम लोग कंसिडर नहीं करना है इस लेवल पे, तो उस केस में क्या होगा, मास भी वेरी करेगा तो मास भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन होगा, एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा बीडीएम बाय डीटी, बस जस्ट लिखवा दिए थे। ठीक है, तो अपने को यही यूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में, और कुछ इसमें चलो अब हम लोग आए क्या वो देखना गौर से, कल बोले भी थे इस बात को दिमाग में बैठा लो कि मैकेनिक जितना पढ़ने वालों 11th का 80% पोर्शन जो मैकेनिक्स ही है फिजिक्स का, वो तुम्हारा न्यूटन सेकंड लॉ से ही आने वाला, न्यूटन सेकंड लॉ से ही आने वाला। कोई भी क्वेश्चन हो अगर तुम जिद पे आ जाओ कि हमको एफ इक्वल टू एम से ही करना है मैकेनिक्स का, तुम कर सकते हो, टाइम लगेगा ज्यादा, अगर तुमको बाकी कोई भी कंसेप्ट पता नहीं है, रोटेशन का भी क्वेश्चन हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, तुम उसका कंसेप्ट नहीं भी जानते, एफ इक्वल टू एम कोई तोड़ तोड़ के अप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सॉल्व होगा, बट टाइम लगेगा एफ इक्वल टू एम सॉल्व करने में सारे क्वेश्चन, बट सॉल्व होगा, मतलब इसी से सारा कुछ डिराइव होता है, एफ इक्वल टू एम से ही पूरा मैकेनिक्स डिराइव हो जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स एटलीस्ट जो पढ़ना है अपने। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ाएंगे देखना, फोर्स क्या क्या होता है, क्योंकि तुम लोगों को बताया थे कि अभी तक हम फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे थे, और फोर्स के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में देखो एफ इक्वल टू एम ए, इस इक्वेशन जो एफ है ना, एफ ये कोई पार्टिकल लगने वाला सारा फोर्स का रिजल्टेंट है, अगेन ये ध्यान रखना, किसी एक पार्टिकल पे अगर पांच फोर्स लग रहा, मान लो एक नॉर्थ की तरफ एक साउथ की तरफ किसी अलग अलग एंगल पे पांच फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे कोई एक एफ नहीं रखेंगे, यहाँ पे पांचों फोर्स का रिजल्टेंट होगा, लिख लो कौन में लिखना है, तो ये जो फोर्स है किसी पार्टिकल लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है,
और ये जो एक्सीलरेशन है किसी पार्टिकल लगने वाला रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, ना कि एक एक्सीलरेशन कंपोनेंट, ये ध्यान रखना। तो एफ इक्वल टू एम एम है, फोर्स जो है टोटल रिजल्टेंट फोर्स है तुम्हारा, और एक्सीलरेशन जो नेट एक्सीलरेशन है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन से बोल सकते, ये ध्यान रखना। तो हम लोग आज देखने वाले हैं किसी पार्टिकल पे किस किस तरह का फोर्स मोस्टली मैकेनिक्स में हम लोग एनकाउंटर करते हैं, किसी तरह का फोर्स हम लोग के सामने आता है, ठीक है। तो आज वही करने वाले हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, लिख सकते हैं, वेरिएंट डाल सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो इक्वेशन हमें लगाना है, तो हमें ये तो पहले दिखना चाहिए फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, वो दिखेगा तब तक तुम इक्वेशन लिख ही नहीं पाओगे, अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। तो अप्लाई करने के लिए हम लोग आज देख रहे हैं फोर्स कौन कौन सा फोर्स लग सकता है मैकेनिक्स में किसी ऑब्जेक्ट पे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, अच्छा जानते हो तुम लोग जस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। चलो सबसे पहला मोस्टली क्या हमेशा ही आएगा, तुम लोग भी जानते हो, बोलो कौन सा फोर्स मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट पे, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा, हमेशा। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में, कोई भी डायरा बना हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ, कुछ भी रखा हुआ है, ग्रेविटी तो एम जी आंख बंद करके लगा दो हमेशा। तो फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं इसको, ज्यादा स्पेसिफिक होकर बोले तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पहले बताते ग्रेविटेशनल फोर्स, जब तुम बोलते हो उस टाइम में तुम किसी भी दुनिया के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के भी जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर लगा रहे हो, बट हम जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल रहे हैं इसका मतलब उसमें एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, जब एम इनटू स्मॉल जी लिखते हो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जस्ट उसका स्पेशल केस है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है अर्थ वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं जनरल हो गया किसी भी दो ऑब्जेक्ट के भी, ठीक है। ये सिंपल तो ये क्या होता है, एक्सप्रेशन की बात करें तो एफ इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल जी, ये तुम लोग जानते हो, ठीक है। अब मान लो इसी में फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें निकालना है, तो एक मास m1 m2 में मान लो मास ऑफ अर्थ है, उसी केस में जो f आता है तुम्हारे, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तब ग्रेविटेशनल फोर्स वर्ड नहीं यूज करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। देन कैपिटल f इज जस्ट नेम है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा उस केस में, ठीक है, उस केस में तुम्हारा एफ आ जाएगा कैपिटल, इसको हम यहाँ लाते हैं डायरेक्ट, इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। हालांकि ये चैप्टर हम लोगों को अलग से पढ़ना है, एक चैप्टर ही है मैकेनिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर का, ग्रेविटेशन एक चैप्टर लेंथ में, ठीक है, तो मैकेनिक्स का ही पार्ट है। तो वहाँ पे ज्यादा डिटेल में जाएंगे, इक्वेशन के ज्यादा डिटेल में जाएंगे, ठीक है, आर वगैरह को अच्छे से देखना पड़ता है, उस पर अभी नहीं जाएंगे, जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फोर्स को, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ को मान लो हम कैपिटल एम बोल देते हैं, जस्ट ये होने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म, तो कैपिटल एम ही बोल दिए, तो यहाँ तुम्हारा हो गया कैपिटल एम, और ये तुम्हारा जी कहाँ चला गया, ठीक है। चलो जी, ये एम टू क्या कोई भी ऑब्जेक्ट, हटाओ इसका सफिक्स, स्मॉल एम कोई भी पार्टिकल है, जी पार्टिकल का अपॉन आर स्क्वायर, इसमें देखना गौर से, इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे स्मॉल एम टाइम्स कैपिटल जी, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर स्क्वायर, चलो। तो ये जो देख रहे हो जीएम बाय आर स्क्वायर, जहां मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आर हो गया डिस्टेंस वगैरह, ठीक है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन आर स्क्वायर स्मॉल जी से बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुम क्या करो इसमें, एम को ले लो मास ऑफ अर्थ, आर को ले लो रेडियस ऑफ अर्थ, और जी पुट कर दो, वो तुम्हारा आ जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तुम्हारा एम टाइम्स जी, जस्ट ये कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये मिन टू जी अपना एक फोर्स, यानी हर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने वाला है मिन टू जी, ये जी ऑब्वियस सी बात है, वेरिएबल है, हम लोग मानते हैं नैन क्वांटिटी आर डी, बहुत चीज पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो तुम ये अज्यूम करो कि आर जो रेडियस ऑफ अर्थ, यही गड़बड़ है सबसे पहला भाई, अगर वो जमीन पे नहीं है, जमीन से ऊपर है, तो आर को कैसे रेडियस ऑफ अर्थ मान सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट लेना चाहिए हमको, क्या बोल रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं, ये तुम रफली निकालो आर को रेडियस ऑफ अर्थ मान के, वो अजम्पशन 100% सही नहीं, वो तुम एट द सरफेस ऑफ अर्थ निकाल लो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन,
उससे अगर ऊपर चले गए तो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट भी हो जाएगा। हालांकि ये सब करना पड़ेगा, तुम गलवेन तले ग्रेविटेशन में नाइन्थ में नहीं हो, पर जस्ट बता दें। तो जस्ट ये मतलब रफली तुम लोग अज्यूम कर लेते हैं जी कांस्टेंट है, नाइन क्वांटिटी सॉल्व करने पे आता है, जी का वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल मास ऑफ अर्थ पता होगा, रेडियस ऑफ अर्थ पता होगा, पुट करके रफली हम लोग अप्रॉक्सिमेट वैल्यू निकालते हैं, नाइन क्वांटिटी या टेन जो भी बोल दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्मॉल जी से बोल देते हैं, स्मॉल जी हमारा कितना हो जाता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड का मास ऑफ अर्थ अगर देख लेना बुक में, पुट करके चेक कर लेना, चेक करना हो तो, ये 9.8 आ रहा है, ये हो गया, ये ध्यान रखना। बट ये जी जो वैल्यू है वो लिख लो ब्रैकेट में एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तुम्हें स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी अपने आपको ग्राफ पढ़ना है कि कैसे जी वैरी करता है एलिमेंट में, इसलिए ये जो जी तुम लोग यूज करते हो या हम लोग यूज करते हैं मोस्टली एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये सरफेस का हम लोग रफली इसी को लेके चलते हैं, बट ये वैरी करता है, अगेन बता दें, ठीक है। पोल वगैरह पे मैक्सिमम तो जानते ही होगा, हम लोग ग्रेविटेशन बताएंगे। जस्ट ये समझ, हमारा भी बताने का मकसद ये था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अब मैकेनिक्स में ये फोर्स लगने वाला, पहला फोर्स तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए, पहले तुम ये बताओ फोर्स क्या क्या लग सकता है। तो ये पहला फोर्स हो गया, हटाओ इसको, कहा निकालूंगा। दूसरा था का जो फोर्स तुम्हारे मैकेनिक्स में आ सकता है, वो ये आ सकता है, बोलो कोई, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, चलो ठीक है, उसी को डिस्कस कर लेते, बोल दिए तो चलो पहले नॉर्मल रिएक्शन या सिंपली से नॉर्मल वर्ड भी बोला जाता है, हैबिट में नॉर्मल नॉर्मल ही हो जाता है, ठीक है। तो मैं नॉर्मल भी बोल सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको कैपिटल एन से नोट करते हैं, कैपिटल एन या बहुत बुक में आर से नोट करता है, हमको एन का हैबिट है, ठीक है। तो तुम लोग को जो यूज करना यूज करते हो, एन ही यूज करना, वैसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, एन से नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जो होगा वो तुम्हारा एम जी होगा, डायरेक्ट याद रखना मास इंटू जी, ठीक है। और ये नॉर्मल समझिए क्या, इसको समझना, ये क्या समझना गौर से, बॉडीज या ऑब्जेक्ट कुछ भी यूज करते हैं हम लोग, बॉडीज, हाँ, पहला तो ये कि एक्ट कब करता, जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच आपस में कंटैक्ट होगा, मतलब दोनों में कुछ, समझ रहा हूं ना, आपस में दोनों करीब है, कंटेक्ट में है, तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन लगता ही लगता है। तुम जब भी किसी को छू रहे हो, मान लो ये लैपटॉप को हम छू लिए, नॉर्मल रिएक्शन हम पे लग रहा होगा, तो पहले तो ये समझ, नॉर्मल रिएक्शन लगता है। अब लगता है तो कैसे लगता है, उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए स्पेसिफिक होगा, डायरेक्शन किधर होगा। जब तुम इक्वेशन लगाओ इक्वल्टी में, तुम अच्छे से कंपोनेंट वगैरह करना होगा, डायरेक्शन देख देकर कितना एंगल पे लग रहा है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तब आते हैं इसके डायरेक्शन पे बात करते हैं, फोर्स लगेगा कब वो बात कर लिए, डायरेक्शन इसका क्या होगा वो देखना, पर डायरेक्शन ये सुनना, डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर, बोलो क्या होगा डायरेक्शन, कोई बोलो तो, इसका डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, दो बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, ठीक है, बोल सकते हो परपेंडिकुलर टू द, बोलो सरफेस इन कांटेक्ट, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही है। डायरेक्शन हो गया, डायग्राम से बताएंगे क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, लिखते चलो, ठीक है, डायग्राम बना रहे, चलो डायरेक्शन देखो, यहाँ मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, सिंपल सबसे बेसिक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करते हैं, मान लो तुम्हारा ग्राउंड है, मान लो तुम्हारा ग्राउंड है, इंसर्ट, ये तुम्हारा ग्राउंड मान लो, ठीक है, ग्राउंड है तुम्हारा, इस पे मान लो कोई बॉक्स रखा हुआ, एक सेकंड को, मान लो कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारा मान लो कोई, चलो ये बॉक्स रखा हुआ है मान लो, ठीक है, ग्राउंड पे, ठीक है। तो देखो गौर से, पहला ऑब्जेक्ट है तुम्हारा बॉक्स या ब्लॉक जो भी बोल लो, ठीक है, और नीचे तुम्हारा ग्राउंड है दूसरा ऑब्जेक्ट, दोनों देखो तो इस लाइन के अलोंग, ये लाइन बोलो या प्लेन बोलो जो भी बोलो, 2D में लाइन दिख रहा है, बस 3D में ये प्लेन दिखेगा, ये जो भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है दोनों के बीच, ये सरफेस जहां कॉन्टैक्ट हो रहा है, उस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा,
तो अरे यार हमको न्यूटन थर्ड लॉ बात कर लेना चाहिए था, न्यूटन थर्ड लॉ तो छोड़ ही दिया, एक्शन रिएक्शन गड़बड़ ऑर्डर हो गया, हालांकि तुम जानते हो गए समझ ही लोगे, चलो डिस्कस कर देते हैं क्या दिक्कत है, अब उतना तो जानते हो एक्शन रिएक्शन बराबर होता है, ठीक है वापस से करवा देंगे। चलो तो ये ब्लॉक है, दोनों के बीच कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगा, कैसे लगा ध्यान रखना हमेशा, ये भी बात लो, इसको परपेंडिकुलर होगा बट परपेंडिकुलर किधर, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड एक्स मतलब समझ, क्यों लिखे हम इस चीज को समझ, ये लाइन है, ये मान लो ब्लॉक इसे कॉन्टैक्ट में है, ठीक है ब्लॉक इसे कॉन्टैक्ट में है, थोड़ा सा गैप दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है कॉन्टैक्ट में है यहाँ पे दोनों, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, कौन सा परपेंडिकुलर, तो जिस ऑब्जेक्ट पे तुम ले रहे हो नॉर्मल उस ऑब्जेक्ट के तरफ वाला परपेंडिकुलर, मतलब अगर तुमसे बोले इस ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लाएगा तो परपेंडिकुलर लाएगा, बट ऊपर लाएगा या नीचे, तो ब्लॉक के तरफ मतलब ऊपर के तरफ, तो ब्लॉक पे जो नॉर्मल लगने वाला है कुछ ऐसे लगने वाला है, ये ग्राउंड जो है इस ब्लॉक पे नॉर्मल ऐसे लगाएगा परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ये हो गया नॉर्मल, किस पे लग रहा है ये, अगेन बोलते हैं बॉक्स पे लग रहा है, ये भी पता होना चाहिए फोर्स लग रहा है तो किस पे लग रहा है और कैसे लग रहा है, दोनों चीज पता होना चाहिए, हम लोग मैकेनिक्स में फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है कितने एंगल पे लग रहा डायरेक्शन का क्या और लगा कौन रहा वो भी बताओ तो ज्यादा अच्छा, तो ये नॉर्मल लगाने का काम कर रहा है ग्राउंड, किस पे लग रहा है तो ये बॉक्स पे लग रहा है, कैसे लग रहा है तो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड सरफेस, तीनों चीज पता होना चाहिए क्लियर, तो ऑब्वियस सी बात है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये अगर बॉक्स को ऊपर की तरफ लगा रहा है नॉर्मल तो इसी का नॉर्मल पलट के ग्राउंड पे भी लगाएगा बॉक्स, तो ये तुम्हारा नॉर्मल, नॉर्मल ब्रैकेट में लिख दें ऑन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड, बॉक्स पे नॉर्मल लग रहा और लगा कौन रहा ग्राउंड, जस्ट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ यही एन पलट के बॉक्स लगाएगा ऑन द ग्राउंड अप्लाइड बाय द बॉक्स माइनस एंड डाउनवर्ड, नॉर्मल उसको भी बोलेंगे नॉर्मल ही ध्यान रखना, तो ये तो हमेशा न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ये तो जानते हो तुम लोग, तो अब ग्राउंड पे लगने वाला है नीचे की तरफ एन ही लगेगा, अब बोलोगे भैया एन माइनस एन क्यों लिख रहे, तो डायरेक्शन तो अपोजिट दिखाई दिए ना डायग्राम में, तो फिर माइनस को तुम कंसीडर कर ही लिए, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो सिंपल है, माइनस ने वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो एन लिख सकते हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड है, ये किस पे लग रहा है, ये लग रहा है ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड अप्लाइड बाय द बॉक्स, पेज ही चेंज हो गया, ये तुम्हारा एन हो गया डाउनवर्ड, ये हो गया एन अपवर्ड, ठीक है ये पता होना चाहिए, चलो ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है इस तरह का एग्जांपल बेसिकली, अब देखो गौर से सुनना गौर से, अब इस बार तुमसे बोले सिर्फ जिस पे बोल रहे हो उस पे ध्यान देना, क्वेश्चन में ध्यान देना, सिर्फ बॉक्स पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा, तो तुम बोलोगे भैया एक एमजीबी लग रहा होगा बॉक्स पे, ऑब्वियस बात है, अगर इसका 5 केजी का मास है तो 5×9.8 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा होगा, और क्या लग रहा बॉक्स पे, तो नॉर्मल लग रहा, नॉर्मल बॉक्स पे टोटल दो फोर्स लग रहा, मतलब तुमको किसी ऑब्जेक्ट पे सारा फोर्स दिखना से क्या क्या लग रहा है, अगर तुमको चार फोर्स है एक फोर्स नहीं दिख रहा गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हें पल्टी में लगाओगे आंसर लगाएगा, तो पल्टी में फोर्स दिखना चाहिए यहाँ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो अगर इस क्वेश्चन में बॉक्स पे बात करें तो बॉक्स पे दो फोर्स लग रहा, एक ग्राउंड लगा रहा है नॉर्मल किधर की तरफ, जिस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लगाना उसकी तरफ लगा रहा, मतलब नॉर्मल धक्का देने का काम करता है, नॉर्मल धक्का देने का काम करता है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ ही लगाता है, ठीक है तो जो बॉक्स पे नॉर्मल लगेगा वो नॉर्मल उसी की तरफ होगा, ग्राउंड पे तो ग्राउंड की तरफ, नीचे है तो ग्राउंड नीचे उसी की तरफ है नॉर्मल, एक इस पे एमजी भी लगाएगा, शो करना है शो कर देते हैं बॉक्स पे, तो अभी जस्ट हम इसी पे टाइम लेना है कि फोर्स दिखना चाहिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस पे लग रहा होगा नीचे की तरफ बॉक्स पे एमजी, ये बॉक्स पे लग रहा होगा, ये कौन लगा रहा होगा बॉक्स पे लग रहा, लगा कौन रहा है बाय द अर्थ, सारा चीज पता होना चाहिए किस पे लग रहा और कौन लगा रहा,
तो बॉक्स पे टोटल इस डायग्राम में दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय द अर्थ, दूसरा नॉर्मल बाय द ग्राउंड, ग्राउंड के द्वारा लग रहा है, ठीक है। तो दो फोर्स लग गया, ठीक है। और कोई फोर्स अगर मानना चाहो तो बोल सकते भैया सरफेस में फ्रिक्शन हो सकता है, ऑब्वियस ही बात है। फ्रिक्शन इस सरफेस के अलॉन्ग पैरेलल लगता है, बात करेंगे उसका। हालांकि अभी अभी फिलहाल 5-7 दिन तक हम फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर करने वाले नहीं है, हालांकि यहाँ पे इन फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। बॉडी रेस्ट के बाद तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्या बोल रहे हो? अगर बॉडी रेस्ट पे होगा तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। रेस्ट पे, रेस्ट बोल रहे हो क्या? नहीं, नहीं देखो, नहीं नहीं रेस्ट में नहीं लगेगा। फ्रिक्शन तब लगता है जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा हो, बताएंगे आगे, टेंशन मत लो। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन का काम क्या है? वो बोलता है कि हम तुम दोनों को आपस में नहीं चलने देंगे, आपस में फिसलने नहीं देंगे, फ्रिक्शन ये चाहता है। तो अगर वो दोनों पहले से नहीं फिसलना चाहते, क्यों फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करने की कोशिश करेगा? तब तुम बोल रहे हो कि रेस्ट पे है, दोनों चलना ही नहीं चाह रहा, तो चलना नहीं चाह रहा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बोले हम क्यों लगेगा, रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा, हम क्यों अपोज करें? बताएंगे टेंशन मत लो, हम ग्राफ से बनाएंगे, बताएंगे टेंशन मत लो, पूरा बन जाएगा, तुम नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। हालांकि रेस्ट में तुम बोल रहे हो नहीं लगेगा, सिंगल लाइन में बोले तो सिंगल तुम्हें फ्रिक्शन तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेटिव मोशन, वो टर्म यूज कर, बस खत्म, एक लाइन। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा नॉर्मल का बात हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का बात हो गया, ठीक है। एक और डायग्राम बना के बताएंगे नॉर्मल फोर्स बना के, जो अपने को आ सकता है, सर्कल वाला, हालांकि चीज यही है, बस जस्ट बना दे, लोगों को क्लियर हो जाए। मान लो कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, कम आएगा बट आ सकता है। तुम्हारा एक और डायग्राम बनाते हैं, वो वाला इंक्लाइन प्लेन वाला, प्लेन वाला बहुत बार आता है, ठीक है। चलो मान लो ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन है, ये तो बार बार आने वाला मैकेनिक्स में, ठीक है। ये तुम्हारा ग्राउंड है, ग्राउंड से मान लो 30 डिग्री एंगल पे तिरछा कोई झूला है या इंक्लाइन प्लेन, जो भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लैडर ही है कुछ ही, मान लो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। मान लो इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इस पे एक सेकंड को ब्लॉक रखा हुआ, सही से ये डायग्राम वैसे बना नहीं, हम जैसे चाह रहे थे इसके अलोंग रखना था हमको, ठीक है। इसे कहीं रोटेट करके देखते हैं, सही से डायग्राम बना नहीं हम जैसे चाह रहे थे, ठीक है। मतलब ये हम चाह रहे थोड़े से अलोंग कांटेक्ट हो, पॉइंट जैसा पॉइंट कांटेक्ट हो जा रहा, ठीक है। तो रेक्टेंगल ही तो लिए हैं, रेक्टेंगल लिए हैं, रुक जाओ, रुको, कोई नहीं, लाइन से हम काम चला लेंगे फिर, ऐसा है तो, ठीक है। ऐसे लाइन ही ड्रॉ करके कर देते हैं, ठीक है। मान लो ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो ऐसे करके, ठीक है। फिर ये से कांटेक्ट में थोड़ा गैप देके बना, जो समझ कि हवा में है वो, ठीक है, रखा हुआ उस पैसे, समझो ये तुम्हारा कोई ब्लॉक है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ। ये भी बहुत कॉमन डायग्राम मैकेनिक्स में, बहुत कॉमन डायग्राम, और इस तरह का डायग्राम तुमको मोस्टली समझ जाओ, हर बार नीट का पेपर जाएगी, ऐसा डायग्राम तुम्हें दिखी जाएगा पेपर में, पूछा क्या हो वो डिपेंड करता है, बट डायग्राम ऐसा दिख जाएगा तुमको, किसी बार का पेपर लेके देख लो, एक डायग्राम ऐसा दिखेगा, इंक्लाइन प्लेन होगा, उस पे ब्लॉक रखा होगा, एक ब्लॉक हो या दो ब्लॉक हो बट रखा रहेगा, ये डायग्राम मोस्ट कॉमन है मैकेनिक्स में, ठीक है। चलो अब देखो गौर से, इन दोनों कॉन्टैक्ट क्या है, इस सर्फेस के अलॉन्ग, इस सर्फेस के अलॉन्ग कॉन्टैक्ट है, तो नॉर्मल लगाएगा कौन, ये इंक्लाइन प्लेन लगाएगा ब्लॉक पे, और ब्लॉक भी लगाएगा इंक्लाइन प्लेन पे, तो ब्लॉक पे कैसे लगाएगा, ब्लॉक की तरफ, तो ब्लॉक पे जो नॉर्मल लगने वाला है वो ऐसे लगने वाला, यही समझा, डायरेक्शन समझाना है हमको, ये नॉर्मल लग रहा ब्लॉक की तरफ, और लगा कौन रहा, जो उसके साथ कांटेक्ट में इंक्लाइन प्लेन, ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल, नॉर्मल देखो गौर से, ये सरफेस ये था, इसके परपेंडिकुलर नहीं लगा 90 डिग्री पे, तो जो भी सरफेस हो उसके परपेंडिकुलर, ग्राउंड पे था तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर, अब तिरछे लाइन पे तो तिरछे लाइन के परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर ही लगेगा, और कैसे लगेगा, ऑब्जेक्ट की तरफ, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, इसी का वापस रिएक्शन मिलेगा किसको, इस इंक्लाइन प्लेन को, नीचे की तरफ नॉर्मल, इसी का जस्ट अपोजिट, बट हम ब्लॉक का सिर्फ बात करें तो ब्लॉक पे एक नॉर्मल लगेगा, और एक एमजी तो हमेशा डाउनवर्ड लगता ही लगता है, एक नॉर्मल लगेगा उस पे।
वो नॉर्मल है, वो समझ ही रहो ग्राउंड के नीचे जाएगा, तो हम इसको ऐसा दिखाते हैं यहाँ से लेकर के और इसको नीचे में, ये ब्लॉक पे एमजी लग रहा, फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, अभी इग्नोर करेंगे हम फ्रिक्शन को 5-7 दिन तक, फ्रिक्शन नहीं मान के चलेंगे। चलो ये एमजी हो गया, इतना नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब ये एंगल थीटा दिया रहेगा, तो तुम थीटा से बहुत सारा एंगल निकाल सकते हो, कॉस साइन कर सकते हो, कंपोनेंट करना बाद में, वो अप्लाई करना बाद में, बट अभी फोर्स देखो सिर्फ, ये बता रहे कंपोनेंट इसमें भी करना पड़ेगा, फोर्सेस का कॉस साइन करना पड़ेगा। चलो ये नॉर्मल एमजी हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल का लगभग समझ में आ गया आइडिया, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा, यही है इसमें, ठीक है। चलो तो नॉर्मल का बात कर लिया, बात है हम तीसरा फोर्स पे, टेंशन फोर्स का बात करते हैं, जो रस्सी में होता, जो टेंशन ही बोलते हैं, टेंशन, ठीक है, सिर्फ टेंशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, या टेंसाइल फोर्स वगैरह बोला जाता है, बट टेंशन वर्ड यूज करता है, कैपिटल टी से नोट करते हैं, ठीक है। ये कब एक्ट करता है वो सुनना, ये एक्ट करता है किसी भी थ्रेड में एक्ट करता है, ठीक है, स्ट्रिंग भी उसे बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में एक्ट करता है। तो कोई स्ट्रिंग है मान लो तुम्हारे पास, तुमको समझ में स्ट्रिंग, मान लो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है मान लो, सिंपल लेवल में आ रहा है पहले, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके नीचे कोई क्या क्या ब्लॉक को टांगे हुआ है, रस्सी से बांध के ऐसे तुम ले खड़ा हुआ, जैसे समझ लो एक रस्सी है, रस्सी से एक ब्लॉक को टांगे हुआ और पकड़ के खड़ा हो तुम, ठीक है, देखना फोर्स कैसे लगेगा उसको समझा। तो नीचे एक मान लो तुम्हारा ब्लॉक है रेक्टेंगुलर जो इसमें टांगा हुआ, मान लो इतना टंगा हुआ रस्सी है, यहाँ से कोई अपने हाथ से पकड़े हुआ है इसको और इस ब्लॉक को टांगे हुआ है रस्सी के हेल्प से, ठीक है, गौर से सुनना, गौर से, रस्सी रुका हुआ थोड़ा थोड़ा हम इंट्रोड्यूस कर लगा रहे अप्लाई भी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से समझने की कोशिश करना, ये ब्लॉक है, ब्लॉक को ऐसे पकड़ रखे हुए हैं, ब्लॉक रुका हुआ, ब्लॉक रुका हुआ उसका एक्सीलरेशन कितना है, जीरो, न्यूटन सेकंड लॉ से इस पर फोर्स कितना होना चाहिए, तुम्हारा हो गया एमजी, ब्लॉक पे लग रहा। अब सिर्फ ब्लॉक पे अगर हम फोकस करें, सिर्फ ब्लॉक पे फोकस करें तो कोई बोलेगा भैया इसके एमजी नीचे लग रहा फिर भी ये नीचे नहीं जा रहा, इसका एक्सीलरेशन जीरो, रस्सी से टंगा हुआ, इसका मतलब क्या, कोई ना कोई एमजी ऊपर भी लगा रहा होगा जिसके कारण ये अभी इस पे नेट फोर्स जीरो और ये रुका हुआ है। जब तुम रस्सी को पकड़े हुए हो समझने की कोशिश करना, जिसके लिए नया है, ठीक है, इस पे एमजी नीचे लग रहा फिर भी ये रस्सी रुका हुआ, हम अगर लगाएं इक्वल टू एम ए रुका हुआ, एक्सीलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो होना चाहिए, बट फोर्स तो नीचे एमजी लग रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इसको अपोजिट एमजी लगाकर ऊपर की तरफ एमजी लगा करके इसको रोके हुआ है, नेट फोर्स जीरो, नीचे भी एमजी ऊपर भी एमजी, दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, इसका मतलब इस पे ऊपर की तरफ एमजी लगा रहा, वो कौन लगा रहा, आवाज तो कोई लगाने वाला है नहीं, रस्सी इसके साथ जुड़ा हुआ है तो रस्सी लगा रहा है इस पे एमजी फोर्स ऊपर की तरफ, और वही जो ऊपर की तरफ लगा रहा है उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, टेंशन, इस पे रस्सी लगाएगा, ध्यान देना टेंशन और नॉर्मल एक दूसरे का जस्ट उल्टा है, टेंशन कैसा लगता है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे टेंशन लगाना है उस ऑब्जेक्ट से अवे लगा होता है, अगर ये ब्लॉक है तो ब्लॉक के तरफ की बात करें तो नीचे लगाएगा बट अवे लगता है टेंशन, तो इसका अवे क्या होगा, इससे दूर मतलब ऊपर की तरफ, इसको पहले समझो वापस, दोनों को रिलेट करेंगे हम, नॉर्मल और ये टेंशन एक दूसरे का जस्ट डायरेक्शन अपोजिट होता है दोनों, तो इस पे जो लगेगा तुम्हारा टेंशन फोर्स वो कुछ ऊपर की तरफ लगाएगा, रस्सी लगाएगा, ना किसी पे ड्रॉ मत करो, थोड़ा सा शिफ्ट कर दो समझने के लिए, ये फोर्स होगा टेंशन, इसका वैल्यू भी एमजी मत लिखना, सिर्फ टी लिखना, वैल्यू वगैरह पे तो बाद में करेंगे, वो तो एनालिसिस बाद का बात है, टेंशन, ये टेंशन कौन लगा रहा ये भी तो क्लियर पता होना चाहिए, टेंशन किस पे लगा, ब्लॉक पे, ऑन द ब्लॉक, ऑन द ब्लॉक अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग, किस पे लग रहा है, कौन लगा रहा, दोनों अपने को पता होना चाहिए क्लियरली, ऑब्वियसली बात फोर्स कोई लगा रहा होगा किसी पे लग रहा होगा, तो लगाने वाला भी पता होना चाहिए, जिस पे लग रहा है वो भी पता होना चाहिए, कैसे लग रहा है वो भी पता होना चाहिए, तीनों तुम्हें पता अच्छे से दिखने लगा मैकेनिक्स में, तो समझो मतलब 30% काम तो यहीं पर निपट जाता है,
ऑन द ब्लॉक अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग, ठीक है चलो टेंशन, ठीक है ठीक है चलो। तो ऑब्वियसली बात है इस टेंशन का रिएक्शन थ्रेड पे, देखो गौर से, ब्लॉक पे लगा रहा कौन स्ट्रिंग टी ऊपर, तो इसका उल्टा रस्सी पे भी लगेगा टी नीचे, तो रिएक्शन तो न्यूटन्स लॉ का हमेशा वैलिड है, ठीक है। तो हम ब्लॉक पे बहुत से ब्लॉक का ऐसी फोर्स दिखाया, ठीक है, रस्सी का नहीं दिखाया, हमेशा कोई अगर किसी पे लगा रहा है तो उसका अपोजिट फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा ही लगेगा वापस से, रिएक्शन जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ। तो ये तुम्हारा हो गया, अब सुनना गौर से, यहाँ देखो गौर से देखना गौर से, जब ब्लॉक पे, ये भी देखो डायग्राम में दोनों रिलेट करो पहले, इस ब्लॉक पे नॉर्मल कैसे लगा है उसके तरफ, मतलब नॉर्मल कैसे धक्का देने का काम कर रहा है, मतलब धकेल रहा है ऐसे, देखो तो ऐसा फील आएगा तुमको। और ये टेंशन क्या दिख रहा है कि खींच रहा है, मतलब ऐसा लगा रस्सी क्या कर रहा है इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो नॉर्मल धक्का देने का काम करता है मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, और टेंशन जो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देखो ऐसा लग रहा है ब्लॉक ऐसे लटका हुआ, ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा है, उसको अपने तरफ नहीं जा रहा, अपने तरफ खींच रहा है। ये कैसे लगता है टेंशन, टेंशन की अगर बात करें तो इसके डायरेक्शन की अगर बात करें तो अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग लग रहा है, स्ट्रिंग के अलोंग ऊपर या नीचे वही तो बताना चाहिए, एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे क्या? यानी देखो ये ब्लॉक ऐसे है, एमजी नीचे लग रहा और टी ऊपर लगेगा, नीचे समझना, ब्लॉक पे जो टी लगेगा वो नीचे नहीं लगेगा, नीचे मतलब नीचे उसे धक्का देना, रस्सी उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ऐसे लगेगा टेंशन, ऐसे समझ सकते अपवर्ड, अपवर्ड, और उसका वापस रिएक्शन जो रस्सी पे ये लगाएगा वो नीचे लगेगा, ऑब्वियस बात है, टी इस पे ऊपर लग रहा तो रस्सी पे नीचे लगेगा, तो ये ध्यान रखना, नॉर्मल टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट और टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो टेंशन का बात हो गया, नॉर्मल का बात हो गया, एमजी का बात हो गया, मोस्टली यही देखोगे, एक बच रहा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है डिस्कस कर देते हैं, देख लो फोर्स की बात कर रहे हैं, लाइक अभी फिलहाल कुछ दिन तक हम स्प्रिंग फोर्स को कंसीडर नहीं करने वाले हैं, दो चार लेक्चर तक एटलीस्ट, ये चौथा फोर्स हो गया स्प्रिंग फोर्स। अगेन इसमें पॉइंट लिखना था हमको टेंशन वाले फोर्स में, नोट करके इसमें ध्यान देना, हम लोग जो भी रस्सी है उसको इनएक्सटेंसिबल मानते हैं, मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि रस्सी का लेंथ ओवर द टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा, चार मीटर का रस्सी तो तन नहीं रहा, मतलब जो कि रियलिटी में होता है, रियलिटी में रस्सी को जब बहुत दिन यूज करते हो तो उसका क्या होता है, लेंथ छोटा बड़ा ही होता है, मोस्टली छोटा तो नहीं होगा, टेंशन होगा तो वो एक्सटेंड होगा, बड़ा होगा, इलॉन्गेट होगा, ठीक है। हम मान के चलते हैं रस्सी का लेंथ चेंज नहीं हो रहा, वी assume the string to be inextensible that is there is no change in the in its length yeah assumption hai sach mein sahi nahi hai but अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट सही देता है। दूसरी बात, रस्सी टूट रहा ये सब नहीं मानना, रस्सी अगर टूट गया फिर तो टेंशन फोर्स ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, रस्सी टूटने का मतलब हो गया टेंशन फोर्स ही खत्म हो जाएगा, पहली बात ये समझ। तो ये तुम लोगों को पॉइंट बताना चाहिए, रस्सी को हम लोग इनएक्सटेंसिबल मान रहे हैं, मतलब उसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा। स्प्रिंग फोर्स अगले पेज में लिख लिया, पहले सब लोग देख लो, नहीं लिखो लिख लो एक बार जस्ट, और लिख लियो तो बोल दो भैया लिख लिए, सब लोग देख लो, यहाँ टेंशन लिखना है जिसको लिख लो, ऊपर लिखना है तो बोल दो ऊपर कर देते हैं, जो नहीं लिखा उसके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स का वेरी पहले बोलते हैं, काइनेमेटिक्स एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तुम्हारा न्यूटन्स लॉ है, पहले बोल देते हैं, ठीक है, असली मैकेनिक्स यहीं से स्टार्ट होता है, असली यहीं से स्टार्ट होता है, बाकी सब तो ठीक है, हाँ सही है, करना जरूरी है। लिख लो, लिख लिए तो बोल दो, तीन मिनट में वैसे फिर से लिंक हमको जनरेट करना पड़ेगा, खत्म होने वाला है हम इसका, ठीक है, तो वापस से लिंक हम भेजेंगे। हो गया भैया, हो गया, चलो ठीक है, स्प्रिंग फोर्स के हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं।
पांचवा टाइप है शायद, देख लो तुम लोग अपना खुद ही, जो भी है जो टाइप हमने देख लिया, तीन चार, तीन सेट डिस्कस किए थे, ऊपर चौथा चौथा है सर। चलो ठीक है चौथा। चलो स्प्रिंग फोर्स तो कब आने वाला है, स्प्रिंग अपने पास आएगा, ठीक है स्प्रिंग आएगा, उस केस में लाएगा स्प्रिंग फोर्स। हम सोच रहे हैं अभी इसको छोड़ देते हैं, स्प्रिंग अभी कंसिडर नहीं करेंगे, जब आएगा उस टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि तुम लोग पहले प्रैक्टिस कर लो बाकी फोर्स। इसमें थोड़ा सा क्या नहीं लॉन्गेट कंप्रेस वाला बात है, तो अभी थोड़ा सा लग सकता है जिन लोगों को नया हो, थोड़ा सा तुम प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, छोड़ दो अभी इसको, छोड़ दो ठीक है, जब आएगा तब बात करेंगे, अभी नहीं इसको छोड़ दो। तो अब हम लोग सीधा जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, प्री वर्डेड डायग्राफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहले बोल देते हैं यहाँ लिख लो इस चीज को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले बोल देते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहले बोल देते हैं, इसको लाइटली मत लेना, पहले बोल देते हैं, सब लोगों को बोल देते हैं, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये बनाने आ ही जाना चाहिए तुमको, ठीक है तभी मैकेनिक्स में कुछ कर सकते हो, ठीक है। हालांकि सिंपल है, टफ नहीं है, मतलब बोल रहे सीखना बहुत ज्यादा जरूरत है, ये बोल रहे कि पूरा मतलब बेस ये मैकेनिक्स का, ये तुमको आना ही चाहिए, ठीक है। देखो गौर से ये क्या बोलता है समझ आना, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग फ्री बॉडी एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम का मतलब हो गया उस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स कैसे लग रहा, किधर लग रहा, उसको डायग्राम में शो करते हैं, अपने को विजुअली दिखेगा अच्छा ये डायग्राम है, इस पे इधर ये फोर्स लग रहा, उधर ये फोर्स लग रहा, नीचे ये फोर्स लग रहा, बाएं जब जो भी जितना भी फोर्स लग रहा सारे को डायरेक्शन के साथ अगर तुम शो कर दिए तो वही इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम। और उसी डायग्राम का एनालिसिस करके हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं कि किस पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना एक्सीलरेशन है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, बीडी बोलते हैं उसको। एंड होने वाला मीटिंग जनरेट करते हैं, तब तक तुम देखो